साल 2017 की शुरुआत में एमएस धोनी ने टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ी और विराट कोहली को टीम इंडिया का फुल टाइम कैप्टन बना दिया गया। विराट इससे पहले सिर्फ भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे। वनडे और T20 का कप्तान बनते ही उनके सामने बड़ी सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ थी। इसे 2-1 से जीतकर उन्होंने जीत से शुरुआत की। पिछले साल यानी 2017 में विराट ने टीम इंडिया के लिए 26 वनडे मैचों में कप्तानी की, इसमें से 19 में जीत दर्ज की, जबकि 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक वनडे मैच नो रिजल्ट रहा। 2017 में विराट के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचना रही, लेकिन इसी टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान से मिली हार के बाद उनकी काफी किरकिरी हुई। बतौर कप्तान पहले साल की बात करें तो विराट कोहली भारत के कई दिग्गजों से आगे निकल चुके हैं। जहां भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर कप्तान पहले साल 36 वनडे मैच में भारत को 19 में जीत दिलाई थी और 14 में हारे थे, वहीं माही की विन प्रतिशत 52.78 की थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने पहले साल बतौर कप्तान 14 में से 7 मैच जीते थे, उनकी विन परसेंट 50 की थी। सौरव गांगुली ने अपने पहले साल बतौर कप्तान 16 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने भारत को 43.75 विन परसेंट से 7 मैच जिताए थे। भारत के मौजूदा कप्तान कोहली के लिए पहला साल काफी शानदार रहा, उनकी विन परसेंटेज 73.08 की रही। NMF न्यूज की रिपोर्ट।